गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट है 4th, पोंगल का त्यौहार, द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। तो इसके जो आगे के पार्ट हैं वो मैंने आपको करवा दिया। इसके आगे का पार्ट कौन सा है? यीशु मसीहा की महानता। तो ये जो यीशु मसीहा की महानता है वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में करवा दिया है। और उसके जो अभ्यास का प्रश्न के आंसर थे, क्वेश्चन आंसर थे, वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, पोंगल का त्यौहार, द फेस्टिवल ऑफ पोंगल, वो मैं आज आपको करवाने पढ़ाने वाली हूँ। तो आज पोंगल का त्यौहार है। सुबह से ही पूरे गांव में उत्साह का माहौल है। उत्साह यानी कि सब लोग खुश है कि आज उनका पोंगल का त्यौहार है। कोई भी फेस्टिवल हो और हम लोग कितने खुश होते हैं। जैसे कि दिवाली होती है, उत्तरायण होती है, होली होती है, तो हम लोग कितने खुश हो जाते हैं कि वाह आज तो दिवाली है, आज नए कपड़े पहनने मिलेंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ खाने मिलेंगी, होता है ना। वैसे ही इन लोगों में पोंगल का त्यौहार होता है। सुबह से ही पूरे गांव में उत्साह का माहौल है, मतलब कि सुबह से लेकर सभी लोग आज उत्साही मीन्स के आनंद है और कुछ अच्छा करने का उन लोगों में उत्साह है। गांव में सभी कच्चे पक्के घर और गांव के अंदर जो भी कच्चे और पक्के घर होते हैं ना, वो हंसते से लग रहे हैं। मतलब कि गांव के अंदर जो कच्चे मकान होते हैं, कुछ पक्के मकान होते हैं, वो सब हंसते हैं ना, वैसे लगते हैं। सबके चेहरे पर उमंग और मस्ती है, और जो सब लोग हैं उनके चेहरे पर उमंग और मस्ती है। उमंग यानी कि उत्साह है, बहुत सारी उत्साह है, और मस्ती यानी कि मस्ती, खुशी की लहर। उमंग यानी कि खुशी है, सबके चेहरे पर एक खुशी है। लाजमा बीमारी के बावजूद तेजी से भाग रहा था, और उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था लाजमा। लाजमा बीमारी के बावजूद वो बीमार था, फिर भी वो भाग रहा था। गली के बच्चे इधर उछल कूद कर रहे थे, और जो गली के सब बच्चे होते हैं ना, वो सब उछल कूद कर रहे थे। यहाँ तक कि देर तक सोने वाला माधवन भी आज जोर भोर होते ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर इतरा रहा था। भोर यानी कि प्रात, ब्रोत यानी कि प्रात, मतलब के सुबह जल्दी उठकर। माधवन मतलब कि इस गांव में एक माधवन नाम का इंसान था जो रोज़ सुबह देर उठता था, लेकिन आज वो भी भोर यानी कि सुबह जल्दी उठ गया था। सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर नए कपड़े भी उसने पहनकर इतरा रहा था, मतलब कि इधर जाके सबको दिखा रहा था, फिर उधर जाके सबको दिख रहा था, मस्ती कर रहा था, और फिर इतराए भी क्यों नहीं। पोंगल का त्यौहार होता ही कुछ ऐसा है, और वो इतराए भी क्यों नहीं, मतलब वो इतराए भी क्यों नहीं, पोंगल का त्यौहार होता ही इतना ऐसा कुछ खास है। यहाँ तमिलनाडु में तो यह त्यौहार तीन दिनों तक चलता है। ये जो पोंगल त्यौहार है वो तमिलनाडु का त्यौहार है, और ये तमिलनाडु में ये त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है। आज पोंगल का पहला दिन है, और आज पोंगल त्यौहार है उसका पहला दिन है। माँ ने सुबह उठते ही आंगन को लेपा, और जो माँ थी उसने आज सुबह ही आंगन होता है ना, जो घर के बाहर की जगह होती है उसे आंगन कहते हैं, वहाँ पे लेपा यानी कि जो
गीली मिट्टी होती है ना, उसको पानी और मिट्टी को दोनों को मिक्स करके फिर आंगन में लेपते हैं और उसे फिर उस पर हम रंगोली बनाते हैं। मैं और विक्टेश सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहे हैं, और मैं और विक्टेश नाम का एक बच्चा था, वो दोनों ही माँ के पीछे सुबह से घूम रहे हैं। माँ मंद मंद मुस्का कर इशारे में बाहर जाने को कहती है, और जो माँ है वो मंद मंद मुस्का कर, मतलब कि अंदर ही अंदर मुस्का रही है और कहती है बाहर जाना, बाहर जाने को कहती है। पर विक्टेंस ठहरा जिद्दी, और जो विक्सन था वो रहा जिद्दी। माँ आज कौन सा पोंगल है, और उसने माँ से पूछा, जो विक्सन है वो था जिद्दी और उसने माँ से पूछा कि माँ आज कौन सा पोंगल है। भोंगी पोंगल, और माँ ने क्या जवाब दिया, आज भोंगी पोंगल है। माँ ने फूल चुनते हुए कहा, और जो माँ थी उन्होंने फूल थे ना वो चुनते हुए कहा कि भोंगी पोंगल है। माँ आज किसकी पूजा की जाती है, जो विक्टेन था ना उसने कहा कि माँ आज किसकी पूजा की जाती है, तो उसकी माँ थी उसने कहा कि भगवान इंद्र की। माँ ने सारा घर साफ करके फूलों से सजाया और द्वार पर कॉलम भी बनाया, और जो माँ थी उन्होंने सारा घर साफ कर दिया और फिर द्वार आने की दरवाजा। फिर क्या किया उसने, कोलम भी बनाया यानी कि रंगोली भी बनाई। फिर दादाजी ने हम सभी बच्चों के साथ मिलकर घर का कबाड़ बाहर आंगन में इकट्ठा किया, और जो दादा था ना, जो दादाजी थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी बच्चों के साथ घर का कबाड़ यानी कूड़ा यानी कि जो कचरा होता है ना उसे कूड़ा कहते हैं, कबाड़ ठीक है, और उनको जो कबाड़ था वो सब इकट्ठा करके बाहर आंगने में रख दिया। दोपहर होते ही दादाजी ने हम सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चले गए, और जो जब दोपहर हुए ना तब दादाजी ने क्या किया, सभी बच्चों को ले जाकर नदी किनारे ले गए। सभी घरों से बड़े बूढ़े बच्चे जवान तथा आदमी औरत के जुट नदी की ओर जा रहे थे। मतलब कि क्या हो, इसमें क्या होता है मालूम है, जब दोपहर हो गए तो दादाजी ने क्या किया, सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे चले गए, और नदी किनारे सभी बड़े बूढ़े बच्चे जवान आदमी औरतें सभी लोग मिलकर नदी की ओर जा रहे थे। सभी जल्दी पहुंचने की दौड़ और सभी लोग जल्दी पहुंचने की दौड़ में थे। रास्ते में चलते चलते भी माधवन की बातों की रेल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और जो माधवन था ना वो बोलता ही जा रहा था, उसकी बातें थी ना वो उस बातें की रेल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दादाजी आज के दिन हम इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं, और जो पोता जो बच्चे थे उन्होंने दादाजी से पूछा कि दादाजी आज के दिन इंद्र भगवान है उनकी पूजा हम क्यों करते हैं। तो माधव का प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा, और दादा ने क्या कहा, माधवन प्रश्न तो तुमने अच्छा पूछा है, क्यों भाई तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा। और दादाजी ने कहा, पहले तो माधवन तुमने प्रश्न तो अच्छा पूछा है, और जो दादा थी उन्होंने फिर से एक प्रश्न किया कि क्यों भाई तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा। दादाजी ने क्या कहा, तुम सब बच्चों में से इसका उत्तर कौन देगा। दादाजी ने कहा,
हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दादाजी ने ये कहा तो हम सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, मतलब कि एक दूसरे के मुंह देखने लगे। सच में इस ओर तो कभी ध्यान ही नहीं गया था, पर अब कर भी क्या सकते हैं, माधवन हमेशा ही बाजी मार लेता है। और सभी बच्चों ने उन सभी ने मन के अंदर सोचा कि इस ओर, मतलब कि इस प्रश्न पर तो हम सभी का कभी ध्यान ही नहीं गया, और हर बार की तरह इस बार भी जो माधवन है उसने बाजी मार ली। तो स्टूडेंट, हम ये जो पाठ है पोंगल का त्यौहार, इसको हम इधर तक रखते हैं। इसका आगे का जो पाठ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप इस पाठ को ध्यान से, इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना और समझना, और इसमें क्या कहा गया है उसे भी समझने की कोशिश करना। थैंक यू।